हाय दोस्तों, मैं विकास बरनवाल, सीपी यानी ऑथोराइज चैनल पार्टनर ऑफ डेवलपर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट रेरा से भी हम लोग ऑथोराइज हैं। मैं और मेरी पूरी टीम ऑथोराइज हैं। साथ ही साथ डेवलपर के पेरोल पे हम लोग काम करते हैं, कस्टमर के लिए 0% ब्रोकरेज पे काम करते हैं। आइए प्रॉपर्टी देखते हैं, फिर आगे और कुछ डिटेल बताऊँगा मैं। अभी मैं आपको आयरिस कशिश पार्क का मॉडल दिखा रहा हूँ, किस टाइप का इसका बिल्डिंग आने वाला है। ये ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, आगे आपको मुलुंड चेकनाका लगता है और पीछे थाने। अब आगे आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बेसमेंट लेवल है, जिसमें अभी मैं आगे बताऊँगा बेसमेंट में क्या क्या आएगा। यहाँ पे दो टावर है, एक ये 48 स्टोरी दो टावर आएगा C1 और C2, जिसमें ग्राउंड लेवल और फर्स्ट लेवल इसका कमर्शियल स्पेस है, जो बड़े बड़े शॉप्स है वो दुकानें भी बेचने का है। यहाँ पे जो आप देखें तो अंदर कमर्शियल स्पेस के लिए जो बेचना है ना, उसका मैं साइजिंग प्राइजिंग में बताऊँगा क्या है। अब ये चारों साइड से एक एलिवेशन देख लें आप, कैसा बिल्डिंग बन के आने वाला है। और इधर आपको मिलता है स्विमिंग पूल 13th फ्लोर पे, यानी ये जो 12th स्टोरी टावर पार्किंग रहेगा, ऑटोमेटिक रोबोटिक कार पार्किंग टावर रहेगा। और इसके ऊपर आपको कुछ 13th फ्लोर पे एमिनिटीज़ है इसका, कुछ एमिनिटीज़ इसके फर्स्ट फ्लोर पे है, तो दो जगह पे आपको एमिनिटीज़ मिलेगा। वो मैं जब डिटेल पे आऊँगा तो और डिटेल बताता हूँ, फिलहाल आप मॉडल देख सकते हैं। और जो आयरिस है ये 1.5 एकड़ का लैंड एरिया है। अब कुछ PDF आपको दिखाता हूँ लगा हुआ है, ताकि उसमें आप समझ जाइए। ये कशिश पार्क का पूरा 14 एकड़ का लैंड एरिया है, इसमें लगभग इनके 42 टावर्स हैं, अलग अलग G+4, G+7। अभी जो ये बना रहे हैं ये इनका दो टावर है आयरिस का, जहाँ पे ये 48 स्टोरी दो टावर बना रहे हैं। ये पूरा इनका सेपरेट सेगमेंट है, इसकी एमिनिटीज़ पूरी अलग है, सब कुछ अलग है। तो ये जो आज मैं बात करने वाला हूँ ना आयरिस के बाद, इन फ्यूचर और भी लॉन्चेस इसका आने वाला है, लेकिन फ़िलहाल मैं आयरिस के बारे में बात कर रहा हूँ आपसे। अभी देखते हैं इसका फ्लैट वगैरह कैसा है। अभी मैं आपको 2 BHK का फ्लैट दिखा रहा हूँ, ह्यूज लग्जरियस फ्लैट है, 850 के आसपास इसका कारपेट एरिया है, 860 का, आयरिस कशिश पार्क थाने वेस्ट का। आइए देखते हैं, इधर आपको डाइनिंग मिल रहा है, इधर आपको लिविंग एरिया मिल रहा है इसका। हाइट अप्रॉक्स 10 फिट की हाइट है इसकी, और 60 फिट का आपको मिल रहा है बालकनी। ये सारे 2 BHK 3 BHK में आने वाला है, 3 BHK में थोड़ा इससे बड़ा दिया हुआ है। और इस तरफ आप देख सकते हैं C2 का फुल फ्लैश में काम चल रहा है। अभी एक बार मैं अंदर से विंडो के साइड से पूरे हॉल का कवर करके दिखाता हूँ। 3 हाथ नाका यहाँ थाने में बहुत फेमस एरिया है, जहाँ पे ये बन रहा है, ये इसका डाइनिंग एरिया है। इसके बाद मैं अंदर लेके चलता हूँ, किचन वगैरह देखते हैं इसका। ये एक्स्ट्रा इन्होंने एक स्टोरेज बनाया हुआ है, शोपीस आप मंदिर वगैरह के लिए बना सकते हैं। ये इन्होंने डिज़ाइन किया, अपने इंटीरियर डेकोरेटर से आप अपने हिसाब से डिज़ाइन करवा सकते हैं। अब चलते हैं इसका किचन देखते हैं। इस तरफ आपको गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म, और बाहर आपको यूटिलिटी एरिया मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बालकनी मिलेगा। ये जो आपको पेड़ मिला हुआ ना, ये सैंपल फ्लैट में बना हुआ है, इसके लिए वैसे ये आपको एक्चुअल फ्लैट में ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है, तो इसके लिए आप। और एक बार विंडो के साइड से मैं दिखा दूँ तो यहाँ पे आपको फ्रिज का स्पेस आएगा। और इसके बाद अभी इधर किचन, इस तरफ इसका कॉमन वॉशरूम को भी वास्तव का इसमें ध्यान रखा है कि किचन का जहाँ एंट्री हो रहा है ना, उसके बाद इधर वॉशरूम का एंट्री दिया है। तो ये वास्तव में बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है कि बाथरूम के सामने किचन नहीं होना चाहिए। इसके बाद फिर 2 बेडरूम दिया हुआ है, तो ये इसका कॉमन वॉशरूम है। अब कॉमन वॉशरूम की ब्यूटी ये है कि यहाँ तक आपका कॉमन वॉशरूम है, इसके बाद एक अलग से यूटिलिटी एरिया दिया हुआ है, वॉशिंग मशीन के हिसाब से कुछ स्टोरेज अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और ये जो यूटिलिटी एरिया है, ये फ्लैट के अंदर कारपेट एरिया में कंसिडरेशन नहीं किया हुआ, यानी 860 के एक्स्ट्रा ये एरिया है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ इसका दोनों मास्टर बेडरूम में, दोनों मास्टर बेडरूम नहीं, 2 बेडरूम। पहला आपको ये कॉमन बेडरूम है,
कॉमन बेडरूम में किस टाइप का है वो देख लें। यहाँ पे भी एक पेड़ का निकला हुआ है, बट ये सैम्पल फ्लैट है। ग्राउंड फ्लोर पे पेड़ कट नहीं किया है, बट फ्लैट का साइज जो ओवरऑल बेडरूम का है यही मिलेगा आपको, क्योंकि अभी हम एक्चुअल टावर में नहीं है, सैम्पल फ्लैट में है। एक्चुअल टावर का भी काम चल रहा है, एक बार विंडो के साइड्स में आपको कवर करके दिखाता हूँ। ये ह्यूज कॉमन बेडरूम का साइज है ये। इसके बाद चलते हैं इसका मास्टर बेडरूम, देखते हैं कैसा है। ये हमने अभी देखा कॉमन बेडरूम, इस तरफ इसका मास्टर बेडरूम दिया हुआ है। ये पूरा इसका मास्टर बेडरूम का साइज है। 860 स्क्वायर फुट कारपेट एरिया, आप एक अंदाजा लगा सकते हैं क्या बिगेस्ट साइज रहेगा। और इसके बाद मैं इसका वॉशरूम आपको दिखा देता हूँ किस टाइप का है। इधर मिलता है आपको बेसिन, कमोड और लास्ट में आपको बाथ एरिया मिलता है। सारे जगुआर्स का ब्रांडेड फिटिंग है इसका। और एक बार मैं इस कॉर्नर से आपको बेडरूम कवर करके दिखाता हूँ, इस तरफ आपको इसका विंडो मिल जा रहा है। और मैं एक बार अंदर से आपको पूरे 2 BHK का व्यू दिखाता हूँ, इसके बाद हम 3 BHK का फ्लैट देखेंगे। ये इसका पूरा 2 BHK का लिविंग डाइनिंग वगैरह, अंदर से साइड से क्या व्यू आता है वो देख लें। और यहाँ पे इसका एंड हो जाता है 2 BHK का। अभी चलिए 3 BHK देखते हैं। अभी 3 BHK का फ्लैट मैं दिखाने जा रहा हूँ, आयरिस कसिस पार्क का। ये मुलुंड और थाने के बीच में है, ये बहुत ही लग्जरियस बड़ा 3 BHK है। लेकिन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये रंगोली एरिया आप बोल सकते हैं, इधर आप सूरेक बना सकते हैं। यहाँ पे मंदिर का प्रोविज़न किया हुआ है फ़िलहाल डेवलपर ने, बट इतना स्पेस आपको मिलेगा रंगोली वगैरह करने के लिए दिवाली का। यहाँ से 3 BHK का डोर स्टार्ट हो रहा है, और इधर भी सूरेक का स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पे भी सूरेक या इस तरह बना सकते हैं आप। इसमें ना सारे 2 BHK और 3 BHK में बालकनी का कंसेप्ट दिया हुआ है, 10 फुट का हाइट दिया हुआ है। 60-90 स्क्वायर फुट का आपको ओपन बालकनी यानी टेरेस मिल रहा है, जो सारे 3 BHK में मिलने वाला है। 48 स्टोरी टावर है, तो यहाँ से व्यू भी काफ़ी अट्रैक्टिव रहेगा। और अब मैं आपको विंडो के साइड से एक बार कवर करके दिखा रहा हूँ। ये 3 BHK है, ओरिजिनली 3.5 BHK है, बिकॉज एक बेडरूम यहाँ पे और एक्स्ट्रा बनाया हुआ है। एक बेडरूम इस तरफ है और 2 बेडरूम इस तरफ है, तभी मैं धीरे धीरे दिखाऊंगा। बट ये 3.5 BHK है, एक हाफ वर्क एरिया के हिसाब से या सर्वेंट रूम के हिसाब से आप समझ सकते हैं। और इस तरफ इसका किचन दिया हुआ है, यहाँ पे डाइनिंग का प्रोविज़न किया हुआ है इस टाइप में। और यहाँ आप लिविंग का यानी सोफ़ा रख सकते हैं, इस तरफ TV लगा सकते हैं, या आपके इंटीरियर के हिसाब से, इंटीरियर डेकोरेटर के हिसाब से भी आप काम कर सकते हैं। अब मैं आपको किचन दिखाता हूँ, किचन कैसे एक दूसरे को कनेक्ट हो रहा है। लिविंग डाइनिंग से ओपन किचन का कंसेप्ट रखा है, और सी टाइप में इसका पूरा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे डबल डोर फ्रिज का स्पेस आएगा, इस तरफ आपको गैस प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको बेसिन मिल रहा है, सर्विस प्लेटफॉर्म है। क्योंकि 3 BHK है दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं बड़ी फैमिली है, उसके हिसाब से बिल्डर ने इन चीज़ों को कंसिडर करके समझ के बनाया हुआ है। अब आगे इसका, पहले मैं आपको सामने का बेडरूम दिखाता हूँ, उसके बाद ये तीनों बेडरूम हम देखेंगे कैसा है। टोटल ये 4 BHK, 3.5 BHK समझ सकते हैं, ½ BHK जो हाफ बेडरूम जो बनाया हुआ है सर्वेंट के लिए या वर्क एरिया। इधर का मास्टर बेडरूम है, एक में जो इस तरफ है वो बता रहा हूँ। इधर मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। इसमें एक अच्छी बात क्या है ना, कि तीनों के तीनों मास्टर बेडरूम है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड में आपको बाथ एरिया, कमोड एरिया और वॉश बेसिन एरिया, वॉश बेसिन दिया हुआ है। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ बेडरूम में। वो था उसका वॉशरूम, और ये इसका बेडरूम है। इस तरफ आपको हाफ विंडो मिलेगा, ग्रिल वर्क करके इसमें आएगा आपको, और ये हाइट वगैरह सेम आपको आएगा 10 फुट का। अभी चलते हैं इसका उधर का तीनों बेडरूम देखते हैं। ओवरऑल ये 3.5 BHK, कुछ लोग इसको 4 BHK बोल सकते हैं। यहाँ पे आप देखें, एक बेडरूम हमने उधर देखा, एक हाफ वर्कआउट एरिया बोल सकते हैं, या सर्वेंट रूम बोल सकते हैं, या हाफ बेडरूम बोल सकते हैं। इस तरफ एक मास्टर बेडरूम, इस तरफ एक मास्टर बेडरूम। तो हम राइट हैंड साइड से देखते हैं कैसा है ये। इसमें भी आपको हाफ जो सर्वेंट रूम मिल रहा है, इसमें भी सेपरेट वॉशरूम दिया हुआ है, वो आप देख लें। ये पूरा स्पेस आपको हाफ बेडरूम के बराबर का है, और यहाँ पे आपको मिल रहा है सेपरेट वॉशरूम। ज़्यादातर इसको सर्वेंट वॉशरूम, सर्वेंट के हिसाब से रखते हैं लोग। आप चाहे तो अपने हिसाब से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों।
और अभी चलते हैं राइट हैंड साइड से, दूसरा ये बेडरूम आएगा। ये हम आ गए हैं इसके थर्ड बेडरूम में। पहला तो हमने बाहर देखा, दूसरा ये, तीसरा ये। तीसरा भी हमको मास्टर बेडरूम ही मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये इसका वॉशरूम है। स्टार्ट में बेसिन, कमोड, बाथ एरिया, आपको वॉशरूम मिलता है। इसके बाद अंदर चलते हैं, बेडरूम देखते हैं। ये इसका पूरा बेडरूम का स्पेस, इस तरफ विंडो, हाइट, पैटर्न आप देख लें, समझ लें कि 3.5 BHK का किस तरह रहेगा। 3 BHK बोल सकते हैं, एक इसमें सर्वेंट बेडरूम है या फिर वर्क एरिया है वो बोल सकते हैं। तो ये मैंने आपको दिखाया है एक बेडरूम। अभी हमने टोटल 3 बेडरूम देखा है, चौथा जो सबसे बड़ा मास्टर बेडरूम है वो देखते हैं। यहाँ से जब आप एंट्री करेंगे तो स्टार्ट में आपको इसका वॉशरूम मिल रहा है। एक बार मैं अंदर के साइड से कवर करके दिखाता हूँ आपको। अब अंदर का बेडरूम देखते हैं इसका किस टाइप का है। ये सबसे बड़ा मास्टर बेडरूम है। इसमें ये आप देख सकते हैं क्या साइज है इसका। ये करीबन 1150 स्क्वायर फुट के आसपास कारपेट है। इससे एक बेडरूम और बड़ा है जो आप ये PDF देख सकते हैं, जो 1250 स्क्वायर फुट का है। ये PDF पे ही है, अभी इसका एक्चुअल या सैम्पल फ्लैट बना नहीं है तो मैं दिखा नहीं सकता हूँ। PDF में आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, इससे 100 स्क्वायर फुट बड़ा है। उसमें हॉल एक बड़ा आएगा और एक बेडरूम बड़ा आएगा। अभी अंदर से एक बार पूरे फ्लैट को हम देखते हैं कैसा पैटर्न है। ये हम फिर आ जाते हैं इसका लिविंग डाइनिंग एरिया में। तो एक बार फिर से मैं इस कॉर्नर से आपको कवर करके दिखाता हूँ। इसमें आप फिर से ध्यान से देखें, किचन बेडरूम, एक सामने बेडरूम, एक इस तरफ बेडरूम आ रहा है और एक बेडरूम आपको इस तरफ मिल रहा है, इस तरफ आपको बालकनी मिल रहा है। और वापस जब आप बाहर की ओर निकलेंगे तो यहाँ पे इसका डोर है, बट आपका फ्लैट का स्पेस जो है वो यहाँ तक ख़त्म होता है। यहाँ पे आपको एक रंगोली वगैरह दिवाली का या धनलक्ष्मी पूजा का बना सकते हैं। अभी एक बात और इम्पॉर्टेंट समझ लें कि प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे कई, यहाँ मैंने देखा है कि विरार में, मीरा रोड में, बोरीवली में, कांदीवली में, मलाड में कई 3-4 शॉप्स खुल चुके हैं और कस्टमर को ये कन्फ्यूजन रहता है कि ये विकास बरनवाल जी का प्रॉपर्टी प्लाजा है या किसी और का है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे जो भी आपको कॉल कर रहे हैं वो ना देख के आप हमारे जो ऊपर दिया हुआ नंबर है आपको मैं स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ, 9619871855। दूसरा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8070807099। ये दो ही नंबर एक्चुअली हमारे नंबर हैं और उसी पे आप काम करें, क्योंकि एक कस्टमर का कंप्लेन आ गया है कि प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे काम हुआ है और उनके साथ कुछ मिसबिहेव हो गया है। प्रॉपर्टी उन्होंने बुकिंग कराया लेकिन प्रॉपर उनके साथ व्यवहार नहीं किया गया, बिल्डर से भी अभी उनकी फाइट हुई है और केस कोर्ट तक पहुंच गया है। और उन्होंने प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे बिजनेस किया है बट प्रॉपर्टी प्लाजा एक्चुअली वो हमारा नहीं है, कोई और दूसरा प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे, और वो केस हमारे तक आया है। तो हमने उनको बोला कि आप हमारे से आके मिले हमारे नंबर पे, तो कुछ कंफ्यूजन हुई थी, इसलिए मैं अपने वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ कि हमारा जो दोनों मोबाइल नंबर है ये दोनों मोबाइल नंबर पे ही कॉल करें और उसके बाद हम आपको परफेक्टली, मैं और मेरी पूरी टीम आपको काम करके देगी। दोस्तों अभी मैं LVS रोड जो थाने वेस्ट में है, हाईवे यहाँ से हार्डली 2 से 3 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। यहाँ से कशिश पार्क इस तरफ बन रहा है, सामने आप देख सकते हैं बोर्ड है, बिल्डिंग का एलिवेशन लगा हुआ है, इतना नज़दीक है ये तो, बहुत ही प्राइम लोकेशन है इसका। और इधर ऊपर आपका मेट्रो आ जा रहा है, तो मेट्रो टच ये बिल्डिंग है। आइए इसका डिटेल जानते हैं, क्या साइजिंग, प्राइजिंग, कॉन्फ़िगरेशन, कनेक्टिविटी, एमिनिटीज वगैरह क्या दे रहे हैं ये। Based in Mumbai, we collaborate with the city's top developers to bring you premier properties that fit your lifestyle and investment needs. Whether you're looking for a luxurious apartment, commercial space, or resale flats, we believe in creating lasting relationships through trust and transparency. With a dedicated team of 100 professionals and over 4,000 satisfied customers, we provide expert guidance and unparalleled service. Join us on a journey to find your perfect property. The best real estate company Property Plaza Vikas Banwar. अभी जो मैंने प्रोजेक्ट आपको दिखाया है ना आयरिस कशिश पार्क का, इसका मैं आपको डिटेल बता दूं। ये प्रोजेक्ट जो बन रहा है 47 स्टोरी, 2 टावर है, आसपास में जॉइंट है और ठाणे और मुलुंड दोनों स्टेशन के बीच में है। 5 से 10 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे आप एक तरफ ठाणे और एक तरफ मुलुंड दोनों स्टेशन
टच कर जाते हैं। टिपटॉप प्लाजा होटल मुलुंड में काफी फेमस होटल है, वहीं के आसपास में ही ये बन रहा है। 20 से 30 साल पुराने डेवलपर हैं, कशिश पार्क ग्रुप डेवलपर का ये नाम है। 47 स्टोरी दो टावर है इसमें। इसमें पार्किंग की अवेलेबिलिटी बता दूं, पार्किंग का जो इनका अरेंजमेंट है वो 12-12 माले का, यानी 12th स्टोरी दो टावर कार पार्किंग है इसका। ऑटोमेटिक रोबोटिक कार पार्किंग टावर रहेगा, जो एप्लीकेशन से या फिर नंबर से स्विचेस से ये अप्लाई होगा। गाड़ी अंदर जाएगी, ऑटोमेटिक कार पार्क होगा ऊपर टावर के अंदर। इसमें एक तरह से देखें तो अभी जो नया सिस्टम चला है ना, ये बहुत अच्छा भी है। इसमें गाड़ी पूरा सेफ रहता है आपका। 14 एकड़ का इसका लैंड एरिया है, करीबन 42 टावर से बनाने वाले हैं। और ये जो टावर की बात कर रहा हूँ आयरिस का, ये 47 स्टोरी टावर है। इसका सेपरेट 1.5 एकड़ इसको डेडिकेटेड किया हुआ है। मैं आपको इसके सारे सेगमेंट सेपरेट रहेगा ये दो टावर का। इसमें एमिनिटीज वगैरह जो रहेगा ये भी इसका सेपरेट रहेगा, ये और टावर से मिलता जुलता नहीं रहेगा। तो आयरिस टावर का प्रॉपर्टी का इस पूरे पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाला हूं मैं। टावर का नाम C1 और C2 दो टाइप के इसमें विंग्स हैं। इसमें बेसमेंट में कुछ एमिनिटीज दिया हुआ है, मैं आगे भी बताऊंगा। फर्स्ट लेवल यानी ग्राउंड लेवल और फर्स्ट लेवल इसका कमर्शियल है, शॉप्स है, दुकानें भी बेचना है। दुकानों का मैं बात करूंगा अभी आगे। कुछ जो प्रीवियस टावर है इनका वो मैं बता दूं, एटलांटिस, कशिश पार्क घाटकोपर, कशिश पार्क कल्याण, इसमें L5, L1, M1, M2, M3 ऐसे अलग अलग कई टावर्स इन्होंने बनाया हुआ है। कंस्ट्रक्शन अपडेट बता दूं कि इसमें 4 स्लैब कंप्लीट हो चुका है, 40% ड्यू हो चुका है और 12 टोटल शॉप्स हैं इसमें, 6 नीचे और 6 ऊपर, ऐसे 12 दुकानें हैं जो सेल करना है इसका। और हर एक प्रॉपर्टी का जो साइज ऊपर नीचे का हाइट है वो 10 फुट का हाइट है हर एक फ्लैट्स का। 600 से 700 यूनिट है, यानी 600 से 700 फ्लैट का पूरा ये कॉम्प्लेक्स है। और एक फ्लोर पे किसी में 4 फ्लैट है, किसी फ्लोर पे 6 फ्लैट है। आप ये समझ लीजिए कि नीचे 12 माले के नीचे 4 फ्लैट है, उसके ऊपर 6-6 फ्लैट का पूरा ये फ्लोर है। और 4 हाई स्पीड लिफ्ट रहेगा इसमें, 4 से 5 लिफ्ट रहेगा, 4 इसमें पैसेंजर लिफ्ट रहेगा, 1 इसमें सर्विस लिफ्ट रहेगा, जो शिफ्टिंग वगैरह के लिए बड़ा लिफ्ट होता है। महारेरा के वेबसाइट पे अगर इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ आप देखना चाहते हैं तो इसका महारेरा नंबर है P517-000-28738। इस महारेरा नंबर के थ्रू आप रेरा के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि क्या इसका साइजिंग है और क्या इसका पास हुआ है, क्या म्युनिसिपैलिटी से अप्रूवल हुआ है, लैंड का क्लियरेंस कैसा है। साथ ही साथ अगर आप रेरा के वेबसाइट पे जाके इतना पुट नहीं करना चाहते हैं तो रेरा के थ्रू हर एक प्रोजेक्ट का एक बारकोड इशू होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, तो आप ये बारकोड से स्कैन करके देख सकते हैं। इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारा इस बारकोड को स्कैन करके आप रेरा की वेबसाइट पर डायरेक्टली विजिट होगा, ओपन होगा, वहां से सब कुछ देख सकते हैं क्या इसका अप्रूवल वगैरह मिला हुआ है। दो विंग्स हैं, एक तो बना हुआ है, दूसरे का काम इसका चल रहा है। इसका जो पोजीशन डेट है दिसंबर 2028, जो एग्रीमेंट पे आएगा। रेरा में इसका 2030 है, वहां पे इसलिए 2030 है क्योंकि C1 C2 दोनों टावर है। C2 अभी लॉन्च नहीं हुआ, अभी जो हम बात कर रहे हैं C1 की बात कर रहे हैं। तो आपको ये पोजीशन मिल जाएगा दिसंबर 2028 में। 47 स्टोरी टावर है, इतना 3 से 4 साल तो जनरली बनने के लिए लगता ही है, बट बिल्डर का ऐसा टारगेट है कि दिसंबर 2026 में ही आपको पोजीशन दे दें। दोस्तों एक बार बता दूं, इसीलिए ये एक्स्ट्रा परमिशन लेके चलते हैं क्योंकि अगर थोड़ा बहुत 2-4 महीना आगे पीछे हुआ तो बिल्डर को स्पेस मिल सके। लेकिन सबसे जो अहम बात जानना जरूरी ये है ना कि क्यों ये जल्दी बना के देते हैं, उसका वजह ये है आप जो पेमेंट बिल्डर को करते हैं पूरा का पूरा पैसा रेरा के एस्क्रो अकाउंट में रहता है, और जो पैसा रेरा के एस्क्रो अकाउंट में रहता है वो बिल्डर या डेवलपर कोई भी पर्सनल यूज नहीं कर सकते जब तक कि उनको वो पोजीशन ना दे दें, सोसाइटी का रजिस्टर ना हो जाए, शेयर सर्टिफिकेट इशू ना हो जाए। ये सब होने के बाद ही जब सबमिट होता है रेरा के वेबसाइट पर तब बिल्डर को 70% अमाउंट रिलीज होता है। उसके पहले सिर्फ 20-30% अमाउंट ही उनको मिल पाता है यूज़ करने के लिए। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखें कि बिल्डर जल्द से जल्द चाहते हैं कि मैं प्रोजेक्ट हैंडओवर करूं, तभी उनको 100% पैसा रिलीज होता है रेरा के अकाउंट से। आप जो भी पेमेंट करते हैं ना वो पूरा का पूरा पैसा चला जाता है आपके रेरा के एस्क्रो अकाउंट में, बिल्डर के पर्सनल अकाउंट में नहीं जाता है। तो 30% ही यूज़ करते हैं, 70% वहाँ स्टक रहता है। जब बिल्डिंग पूरी रेडी होती है तब जाके 70% पैसा रिलीज होता है। तो बिल्डर जल्द से जल्द चाहते हैं कि उसको प्रोजेक्ट को मैं हैंडओवर करूँ, बना के दूँ। ये रेरा के नॉर्म्स हैं, आप और भी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन इसके वगैरह ले सकते हैं, अभी मैंने बेसिक आपको बताया है। व्यू के बारे में बात करूँ, इसके ना तीनों साइड अलग अलग व्यू है और आसपास में इतने हाईएस्ट टावर नहीं है। एक तरफ आपको थाने सिटी का व्यू मिल जाता है, एक तरफ आपको मुलुंड सिटी का व्यू मिलेगा, एक तरफ आपको योगी हिल्स यहाँ पे फॉरेस्ट व्यू मिलेगा। तो तीनों साइड से बहुत ही ओपन
इसका व्यू है, ये काफी एक इसका अट्रैक्टिव पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पार्किंग का इसमें 12 स्टोरी दो टावर कार पार्किंग दिया हुआ है और लोकैलिटी इसमें ज़्यादातर हिंदू लोकैलिटी के लोग हैं। वागले स्टेट यहाँ पे एक फेमस एरिया है और बेसमेंट जो बना हुआ है, बेसमेंट में जो कुछ एमिनिटीज़ है वो मैं आपको बता दूँ। वहाँ पर टू व्हीलर का पार्किंग है, विजिटर का कार पार्किंग बनाया हुआ है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन रहेगा बेसमेंट में। बाकी का तो पार्किंग जो है ना वो तो आपको फ्लैट के जो है टावर कार पार्किंग है, ऑटोमेटिक रोबोटिक कार पार्किंग टावर है उसमें आने वाला है। अभी जो ग्राउंड लेवल और फर्स्ट लेवल जो कमर्शियल है वो मैं लास्ट में आऊँगा, उसका प्राइजिंग साइजिंग क्या है, रेसिडेंस में भी क्या है वो मैं लास्ट में आऊँगा। कुछ एमिनिटीज़ और कनेक्टिविटी समझते हैं इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। इसमें आपको एमिनिटीज़ मिल रहा है, स्विमिंग पूल, मल्टीपर्पज़ हॉल, क्लब हाउस, गार्डन एंड वॉकिंग पाथ, बैंक्वेट हॉल, साइकिलिंग पार्क, पार्किंग स्पेस, गणपति मंदिर, इसमें गणपति मंदिर अलग से सेपरेटली आपको दिया हुआ है, जिमनास्टिक एंड योगा सेंटर, कबाना स्पा एंड सलोन, लैंडस्केप लॉन, फैमिली फंक्शन एरिया, गार्डन एंड गजेबो, सेलेस्टियल टर्फ, किड्स प्ले एरिया, लाइब्रेरी, सिट आउट एरिया, फिटनेस सेंटर, बास्केटबॉल कोर्ट, जुम्बा एंड एरोबिक्स रूम, इंडोर गेम्स, गेम जोन एंड टॉडलर्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, इंडोर स्क्वाश एंड बैडमिंटन कोर्ट, ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी, टॉडलर जोन। इस प्रोजेक्ट का जो सबसे बड़ा यूएसपी है वो ये है कि सबसे बड़ा कार्पेट एरिया है। जनरली 2 BHK और 3 BHK में इतना बड़ा कार्पेट आपको कहीं देखने को बहुत रेयर मिलता है, जो इसका यूएसपी है, जो इन्होंने टारगेट किया हुआ है। सारे लग्जरियस अच्छे लाइफस्टाइल वाले कस्टमर्स को ही ये टारगेट कर रहे हैं। कुछ कनेक्टिविटी मैं आपको बता दूं, 5 से 10 मिनट के अंदर आप मुलुंड और थाने स्टेशन टच कर जाते हैं, हाईवे 2 से 5 मिनट के अंदर आप टच कर जाते हैं। कुछ स्कूल और कॉलेज की बात करूं, जिसमें आपको वास्तु विहार स्कूल सिंघानिया, रेमंड कंपनी का जो सिंघानिया स्कूल है वो आप पहुंच जाते हैं 5 से 10 मिनट में। वेडेकर कॉलेज, आर मॉल, विवियाना मॉल, ये भी आप 5 से 10 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे पहुंच जाते हैं। अब आते हैं साइजिंग और प्राइजिंग के, कमर्शियल और रेसिडेंशियल, यानी शॉपिंग एरिया है और जो रहने के लिए रेसिडेंशियल फ्लैट्स हैं, दोनों की मैं बात करूंगा। कमर्शियल की पहले समझते हैं कि इसमें जो कारपेट एरिया है ना कमर्शियल का, वो इस तरह से है, 12 दुकानें हैं अलग 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 साइज में। साइज इसमें आपको आ रहा है 951, 1176, 1100, 1525, 1762, 951, 1176, 1100, 1252 और 1762। ये 6 टाइप में जो गाले हैं, इसी के दो दो गाले हैं, करीबन 12 दुकानें हैं। 12 दुकानें इन द सेंस मैंने जो एक एक एरिया बताया है ना वो इस तरह से है, जैसे 951 मैंने बोला है तो 476 नीचे, उसके ऊपर 476, यानी दो टाइप के ऊपर नीचे बनाया हुआ है। और इसके जो प्राइस है, ग्राउंड फ्लोर का 55,000 पर स्क्वायर फुट और 35 ऊपर का है। तो एक मोटा मोटा आप ये समझ लें कि 951 से लेकर 1762 का जो कारपेट एरिया है उसका प्राइस 3.5 करोड़ से लेके 7.5 करोड़ के बीच में, यानी 3.5 CR to 7.5 CR, ये दो प्राइस के बीच में ये 12 दुकान जो हैं, 12 शॉप जो हैं, अलग अलग प्राइस आएगा आपको। तो इसमें आप एक बार साइट पे आइए, अगर आप कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ माइंड बना रहे हैं तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। इस पूरे एरिया में काफ़ी प्रोग्रेसिव एरिया है, भाव भी आपको अच्छा मिलेगा और रेंट पे देना हो तो रेंट पे भी अच्छा जाएगा। ये तो मैंने आपको कमर्शियल का बताया और अभी हम रेसिडेंस पे आते हैं। मैंने आपको 2 BHK का और 3 BHK का ये दोनों PDF आप देख लें। अब आते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन और प्राइजिंग, यानी कि किस टाइप के फ्लैट बना रहे हैं, क्या प्राइजिंग है। ये बताने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं दोस्तों, कि हम लोग हमेशा, आप देखेंगे कि हमारे चैनल के थ्रू जितने कस्टमर्स आते हैं ना, उनका हम लोग हमेशा मार्केट प्राइस से 2-5 लाख, 10 लाख रुपए कम में फ्लैट दिलवाते हैं। उसका वजह क्या है कि हमारी खुद की 100-150 लोगों की टीम है, एक डेवलपर एक बार में कई प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं। हम लोग उनके क्लस्टर हेड से मिलके बोलते हैं कि भाई हम आपके जो भी 2, 5, 10 प्रोजेक्ट बन रहा है सब में ही हर साल 100-200 फ्लैट बेचेंगे, हर साल हम आपके साथ 200-500-300 करोड़ का टर्नओवर करेंगे और उसका स्पेशल बेनिफिट हमें चाहिए हमारे कस्टमर्स के लिए जो हमारे चैनल के थ्रू आते हैं। अब क्या है ना, आप जाएंगे तो 1 या 2 फ्लैट लेंगे तो 1 या 2 करोड़, 3 करोड़ रुपए देते हैं, हम लोग उनको 200-300-400 करोड़ रुपए देते हैं और उसके बिहाफ में हम उससे जो नेगोशिएशन करते हैं 500,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट नेगोशिएशन करते हैं और वो पूरे फ्लैट के प्राइस
प्राइस में 4 से 5 लाख 10 लाख रुपए कम हो जाता है और वो डायरेक्ट प्राइस हम अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। यही वजह है कि हमारे चैनल के थ्रू जाने में काफी सारे कस्टमर को हमने बहुत सस्ते में प्रॉपर्टी दिया है। मार्केट का कोई कंपैरिजन नहीं है दोस्तों हमारा। आप जो होर्डिंग बोर्डिंग देखते हैं ना, वो होर्डिंग बोर्डिंग में जो प्राइस लिखी रहती है आपको बॉटम प्राइस बताया नहीं जाता। आप जाते हैं डील करने के लिए, गलत प्राइस ऑफर कर जाते हैं थोड़े बहुत अपने हिसाब से नेगोशिएट करके, बट आपको बॉटम प्राइस मालूम ही नहीं है उस प्रोजेक्ट का क्या है। मेरे आंखों के सामने मैं देखा हूँ कि दो लोगों को 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए एक्स्ट्रा देते हुए। दोस्तों क्या है ना, ये प्रॉपर्टी का मामला है, यहाँ पे 200-500 का खेल नहीं होता। यहाँ सीधा थोड़ा सा अगर जानकारी नहीं हो ना तो आपका 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए यूं ही एक्स्ट्रा चला जाता है। तो आपको अगर नहीं जानकारी है तो आपके किसी आदमी को लेके जाएं, वरना अगर आपके पास ऐसा कोई एक्सपर्ट नहीं है तो आप हमारे ऊपर दिए नंबर पे फोन करें। हम लोग जहाँ पे भी प्रॉपर्टी का मार्केटिंग करते हैं उसके रिलेटेड कोर बेस पूरी प्राइसिंग हमें पता होता है। काफी सारे कस्टमर को मैंने देखा है कि ये सब समझने के बाद ना, मैं प्राइसिंग की बात तो कर दिया लेकिन काफी सारे कस्टमर डायरेक्ट चले जाते हैं डेवलपर के पास। वो ना जाएं आप, क्योंकि डेवलपर के पास जब जाते हैं तो डेवलपर का कहना रहता है कि ये हमारे पास टैग है, आप इसमें कुछ भी ना करें, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप ये प्राइसिंग का बेनिफिट, सर्विसेज का बेनिफिट, चॉइस फ्लैट का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें। और फर्स्ट टाइम जब आप डेवलपर के साइट पे जा रहे हैं, सेल्स ऑफिस जा रहे हैं, तो हमारी टीम के साथ जाएं, हमारे सेल्स टीम के साथ जाएं, तो ही हम आपके लिए ये सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे, प्राइसिंग में नेगोशिएट करवा पाएंगे, सारा काम हमारी टीम आपके लिए कर पाएगी। दोस्तों अभी कशिश पार्क का नया अपडेट मैं आपको बता दूं, उन्होंने कुछ चीजों का डिस्काउंट और ऑफर रखा हुआ है जिसमें कि 6 कंडीशन इन्होंने कस्टमर के साथ रखा है। उस 6 कंडीशन में 3 कोई भी आप चूज कर सकते हैं। आप ध्यान से देखें, मैंने स्क्रीन के ऊपर के भी दिखा देता हूं। फर्स्ट है कि आप जो डील करेंगे, जो भी प्रॉपर्टी लेंगे, 2 BHK 3 BHK जो भी यहां पे अवेलेबल है उसमें से, फर्स्ट 0% GST, सेकंड होम अप्लायंसेस में कुछ सेट है ये देख सकते हैं, थर्ड हॉलीडे वाउचर है, हॉलीडे वाउचर भी जो एक अच्छे अमाउंट का ही वैल्यू का ही रहेगा, फोर्थ यानी चौथा है iPhone 15 Pro, और 5वां iPad 11, और 6th MacBook Air M1। ये 6 चीजों का डिस्काउंट दे रहे हैं ये हर एक बुकिंग के साथ। तो आप इन 6 चीजों में से कोई भी 3 चीजों को चुन सकते हैं, उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो आपके डील के ऊपर लागू रहेगा। नया प्राइजिंग 2 BHK एंड 3 BHK फ्लैट्स हैं। 2 BHK 754, 780, 801, 832, 860, 877, यानी 754, 780, 801, 832, 860 और 877 स्क्वायर फुट का है। 5 से 6 टाइप का इसमें 2 BHK है जिसकी प्राइजिंग 1.50 CR to 1.80 CR, यानी कि 1,50,00,000 से 1,80,00,000 के बीच में है। 3 BHK का कारपेट एरिया 1,124 और 1,251, यानी 1,124, 1,251, दो साइज में 3 BHK बना रहे हैं जिसकी प्राइजिंग 2,00,00,000 से लेकर 2,30,00,000 के बीच में है। अच्छा, ये जो मैं प्राइजिंग दिया हूँ ना, इसके ऊपर फिर स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन GST वगैरह आपको अलग से आएगा। इसका डिटेल बस इतना ही। इस तरह के नए नए प्रोजेक्ट जो प्री लॉन्च पे है, लॉन्चिंग स्टेज पे है, अंडर कंस्ट्रक्शन पे है, मैं हमेशा मेरे इस चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पे लेके आता रहता हूँ। आप जिस तरह ये प्रॉपर्टी देख रहे हैं, इस तरह हजारों लाखों लोग हमारा ये प्रॉपर्टी हर दिन हमारा ये वीडियो देखते हैं अलग अलग कंट्री में। किसी को अर्जेंट सेल भी करना होता है तो मैंने काफी सारा अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी सेल किया है। साथ ही साथ कभी बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी 30-40% डिस्काउंट पे आता है, तो वैसे प्रॉपर्टी भी हम लोग सेल करते हैं और उसका इन्फॉर्मेशन हम अपने YouTube चैनल पे पुट करते हैं। और हमारा चैनल आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, उसका बेनिफिट ये होगा कि जब भी मैं ऐसे प्रॉपर्टी डालूंगा अर्जेंट सेल या फायदे वाली प्रॉपर्टी, तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसका फायदा ले पाएंगे। दोस्तों ऐसे मैंने हजारों लोगों को इस मामले में मैंने हेल्प किया है, मदद किया है। जिनको अर्जेंट पैसों की जरूरत होती है उनको पैसा मिल जाता है, जिनको सस्ते में प्रॉपर्टी की जरूरत होती है उनको प्रॉपर्टी मिल जाता है और दोनों का काम कंप्लीट हो जाता है। साथ ही साथ कभी आपको हमारे ऑफिस पे आना हो तो ये हमारे ऑफिस का एड्रेस है, और ये राउंड बटन दबा के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही साथ इसी प्रोजेक्ट के रिलेटेड 2 प्रोजेक्ट का वीडियो मैंने यहाँ पे लिंक दिया है, घर बैठे आप एक्सप्लोर कर लें। हर दिन का 1 वीडियो हम पुट कर रहे हैं अपने चैनल पे, आप घर बैठे सारे वीडियोस देखें, समझें, उसके बाद जो आपको खरीदने में समझ में आता है उसके बाद आप हमें फ़ोन करें। आगे का अगर कुछ आपकी रिक्वायरमेंट हो, आपको वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट्स भी करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार दोस्तों।